पाकिस्तानी मुसलमानों के दलाल बने ममता और ओवैसी, देश को समझा रहे CAA की क्रोनोलॉजी, चुनावों से पहले मोदी सरकार का हथकंडा है CAA कानून, अपनी पैंतरेबाजियों से अब क्या साबित करना चाहते हैं ये हिंदू विरोधी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में मोदी सरकार अपने मैनिफेस्टो को पूरा करने में लगी हुई है। कश्मीर की परियोजनाओं के बाद अब सरकार ने पूरे 4 सालों से अटके हुए CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर भी कानून बना दिया है। लेकिन हमेशा की तरह भारत में रहकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों की दलाली करने वाली ओवैसी सहित कई और दलाल अपने भड़काऊ बयानबाजियों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो आखिर क्या है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और क्यों ये कानून भारत का नमक खाकर भारत की सरकार को गाली देने वाले कुछ बुद्धिजीवियों के गले का कांटा बन गया है? क्यों एक विशेष समुदाय इस कानून का विरोध करने में लगे हुए हैं? आखिर CAA लागू होने के बाद देश में कौन से अहम बदलाव होंगे? और क्या ओवैसी की ये दलील कि CAA भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगी, इसमें कोई सच्चाई है? और क्या एक सेक्युलर देश में नागरिकता कानून लागू होना जायज है? सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे चलने से पहले, अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त है तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पूरे 4 साल के इंतजार के बाद भारत में मोदी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो को पूरा करते हुए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया है और हमेशा की तरह ओवैसी सहित ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव ने सरकार के इस कानून पर आपत्ति उठाई है और ये लोग मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलने का और जनता को भड़काने का काम भी कर रहे हैं। दरअसल 2019 में मोदी सरकार के सत्ता में दोबारा आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने तर्क दिया कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हजारों की संख्या में नॉन मुस्लिम माइग्रेंट अपने देश में हो रहे अत्याचारों से दुखी होकर भारत में आकर बस जाते हैं। इन कम्युनिटीज में हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। ये लोग एक लंबे अरसे से भारत की नागरिकता की डिमांड कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 में भारत के आजाद होने के बाद 1955 में नागरिकता कानून को बनाया गया था, जिसके तहत अगर किसी दूसरे देश के शरणार्थी 11 साल से ज्यादा भारत में रहते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाती है। लेकिन 5 दिसंबर 2019 में मोदी सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए 11 साल की अवधि को घटाकर 5 साल किया और एक नया कानून बनाया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो भी माइग्रेंट 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस कानून को मान्यता दी थी, लेकिन इस कानून के आते ही देश में जगह जगह धर्म युद्ध होने शुरू हो गए, जिनमें दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर उत्तर भारत बांग्लादेश में कई प्रोटेस्ट हुए और कोरोना के प्रकोप और सही तरह से नियम लागू न होने की वजह से इस कानून को टाल दिया गया। लेकिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार खामोश नहीं थी। सरकार ने 30 जिलों और 9 राज्यों को नागरिकता कानून 1955 के तहत अलग अलग नॉन मुस्लिम मिनोरिटीज को नागरिकता देने का अधिकार दिया, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र के राज्य शामिल थे। लेकिन सवाल यह था कि आखिर बदलाव में लाए गए CAA को लागू करने में सरकार को इतना लंबा वक्त क्यों लगा? तो दोस्तों, इसके कई रीजंस थे, जिनमें देश में जगह जगह होने वाले प्रोटेस्ट के अलावा कुछ मुस्लिम समुदाय के घटिया सवाल भी शामिल थे। उसमें ममता बनर्जी, ओवैसी सहित तेजस्वी यादव जैसे भारत के नमक हलालों की दलीलें थी कि सरकार नागरिकता कानून की आड़ में मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है, क्योंकि नागरिकता कानून में केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम लोगों को ही भारत की नागरिकता दी जा रही थी। उस समय सरकार और इन विपक्षी नेताओं के बीच काफी घमासान हुआ था। सरकार का तर्क था कि ये पड़ोसी देश मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देश हैं, यहाँ केवल नॉन मुस्लिम लोगों के साथ ही अत्याचार किया जाता है, जिसके चलते उन्हें भारत में आकर शरण लेनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के चलते ये फैसला आने में पूरे 4 साल का समय लग गया। लेकिन 12 मार्च 2024 को मोदी सरकार ने नागरिकता कानून को लागू कर ही दिया। लेकिन एक बार फिर से देश में विपक्षी नेता इसे धर्म के आधार पर बना कानून बताकर बेतुकी बातों में देश की जनता को उलझाने में लगे हुए हैं और इसकी पहल
दुनिया भर के मुसलमानों का ठेका उठाने वाले मुस्लिम दलाल ओवैसी ने ही की है, CAA। पर उनका कहना है कि CAA संविधान विरोधी है और ये कानून का उल्लंघन करता है। CAA धर्म के आधार पर बना है। ये मोदी सरकार से उनकी पॉलिसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं और हमेशा की तरह 6 दिसंबर का रोना लेकर बैठ गए हैं। राजनीति के नाम पर नफरत फैलाने वाले ताड़कासुर बने देश विरोधी। इन राक्षसों के मुताबिक ये देश में अराजकता फैलाने वाला कानून है। ये मोदी सरकार पर संविधान के पद पर बैठकर बकवास करने का आरोप लगाते हैं और तर्क देते हैं कि CAA लागू हुआ तो देश के मुसलमानों, दलितों और गरीब जनता के साथ अन्याय होगा। दोस्तों, CAA लागू होते ही ओवैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार मोदी सरकार पर तंज कस रहे हैं और इनका कहना है कि संघियों को कागज लेकर लाइन में खड़े होने का शौक है। उन्हें पहले चौकीदार से प्यार हुआ और अब शायद रद्दी वाले को दिल दे बैठे हैं। जब देखो तब कागज मांगते रहते हैं। दोस्तों, ये हाल केवल ओवैसी का नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ओवैसी की भड़काऊ बयानबाजी की बहती नदी में हाथ धोते हुए मोदी सरकार पर इल्जाम लगाया कि चुनावों से पहले मोदी सरकार के ये फैसले दिखावे और लॉलीपॉप है। चुनाव आते ही बीजेपी ऐसा करने लगती है और भेदभाव वाले कानून को वो नहीं मानती। वहीं विपक्षी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने CAA में देरी होने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये कानून नरेंद्र मोदी की सफेद झूठ की एक झलक है। वो अपना वोट बैंक भरने के लिए चुनावों से पहले ऐसा करते हैं। वहीं देश में मोदी विरोधी आवाज उठे और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जैसे भारत और मोदी विरोधी मुलायम सिंह के ये सपूत बयानबाजियां ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इनका कहना है कि जब भारत के नागरिक रोजी रोटी के लिए देश से बाहर जा रहे हैं तो दूसरे देशों के नागरिकों के लिए कानून लाकर मोदी क्या उखाड़ लेंगे। भाजपा भटकावे की राजनीति का खेल खेलती है। पब्लिक की नजरों में आने वाले एजेंडा के तहत घटिया नेताओं की इस बयानबाजी में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कैसे चुप रह सकते थे। उन्होंने भी कहा है कि अधिसूचना को केंद्रीय सरकार का देश विरोधी निर्णय बताया और इनडायरेक्टली उन्हें धमकाया भी कि लोकसभा चुनाव में देश की सरकार मोदी सरकार से इसका बदला जरूर लेगी। दोस्तों, कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी देश की जनता को नागरिकता कानून की क्रोनोलॉजी सिखा रहे हैं और इसे चुनावी मौसम से पहले के नियम बता रहे हैं। इनका कहना है कि देश का कानून गोडसे की सोच पर आधारित है जो मुसलमानों को निचले दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है। इनका दावा है कि अगर नागरिकता कानून लगा हुआ तो देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। CAA का उद्देश्य केवल मुसलमानों को टारगेट करना है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि जब देश की सरकार मुसलमानों के हक में फैसला सुनाती है तो तब ये मुस्लिम ठेकेदार कौन से बिलों में जाकर छुप जाते हैं। 1947 में जब भारत की तरफ से पाकिस्तान को अपना सिर छुपाने के लिए करोड़ों रुपए दान दिए गए थे, तब ये दल्ले आखिर कहां चले गए थे। और देश की सरकार के ऐसे फैसलों पर ओवैसी जैसे नेताओं की भड़काऊ बयानबाजी तो समझ में आती है कि ये चर्चाओं में रहने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लेकिन ये ममता बनर्जी सहित दूसरे नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या ये मोदी जी के खिलाफ नफरत है या फिर उनकी पैदाइश अपनी असलियत छुपाने में नाकामयाब हो रही है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे। वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो शेयर जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही रोचक वीडियो देखते रहने के लिए सीताराम टीवी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।